अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 32, मैक्सवेल इक्वेशन, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, चैप्टर प्रॉब्लम 16। वो कहता है जी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी सर्कुलर प्लेट्स हैं, रेडियस आपके पास 0.1 मीटर का है, उसे डिस्चार्ज हो रहा है। वो कहता है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस जो 0.2 मीटर जो कंसेंट्रिक होगा कैपेसिटर के साथ हाफ वे बिटवीन द प्लेट्स, यानी हमने कहा देखना है, हाफ वे बिटवीन द प्लेट्स। वो कहता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट है थ्रू द लूप इज 2 एम्पेयर है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जिससे जो जो प्लेट्स के बीच में जो फील्ड चेंज हो रही होगी। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का टूल हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओ ई ओवर डी टी फ्लक्स होता है, ई डॉट ए कॉस 0 पे हम ले लेंगे, नॉर्मल और पैरेलल हो जाएंगी फील्ड लाइंस, तो यहां से ए बाहर निकाल लेंगे डी ई ओवर डी टी। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास डीई ओवर डी टी एक तरफ कर लेंगे, आई एप्सिलॉन नॉट ए चूंकि सर्कुलर प्लेट थी तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास करंट भी मौजूद है, एप्सिलॉन नॉट, पाई और रेडियस भी मालूम है आपको, तो इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 7.210 / 12 वोल्ट पर मीटर पर सेकंड आपके पास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज आएगी प्लेट्स के बीच में। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।